ऑल राइट आज हमारे साथ संजय है जिन्होंने गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है और उसके बाद उन्होंने एमपीएससी में फोर्थ रैंक अचीव करा है। ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से है और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किसी को लाओ, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे कि सिविल ब्रांच में आपको क्या क्या मिल सकता है और कितने रैंक तक आपको क्या क्या मिल सकता है। तो संजय, सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम गेट एग्ज़ाम को कैसा देखते हो और गेट एग्ज़ाम से क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेसिकली गेट एग्ज़ाम स्टूडेंट का परसेप्शन क्या है कि गेट में आपको एक अच्छा रैंक लाओ और आपको पीएससीओज मिलेगा। मेरा मानना ऐसा है कि नियरली 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं गेट जो देते हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम लोकल कॉलेज, कोई आईआईटी एनआईटी से नहीं, 10% 5% रहते हैं, राइट? तो गेट एग्जाम प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एमटेक फ्रॉम आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया या कोई लोकल कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। उसका फायदा यह है कि जब हम लोकल कॉलेज में रहते हैं तो हमें प्लेसमेंट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी रहता है या बेसिकली जीरो अपॉर्चुनिटी, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो गेट हमें क्या एक अच्छी कॉलेज में मास्टर्स करने का अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम कोई भी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे कॉलेज रहते हैं वहां पे मास्टर्स में भी प्लेसमेंट आते हैं। मेरा ये परसेप्शन है कि गेट इज नॉट ऑल अबाउट पीएससीयूज आपको मिल गया या कोई अच्छा कंपनी मिल गया, नहीं, गेट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक बेस देता है। और श्योरली गेट आपको कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अगर क्रैक करना चाहते हैं जैसे ईएससी हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, तो आपको एक बेस दे देता है कि हाँ आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैं इवन चलो मेरा रैंक नहीं आया अच्छा, लेकिन अगर मेरे को एक जस्ट मैंने क्रैक भी किया तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इफ आई कैन क्रैक गेट देन आई कैन क्रैक एनी अदर एग्जाम। तो मेरा मानना है कि गेट आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ सको। और आपने एमटेक भी किया है, हालांकि सिविल ब्रांच में लोग एमटेक प्रिफर नहीं करते, पर आपके हिसाब से एमटेक ने आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं? क्योंकि हर चीज का अपना एडवांटेज होता है, हर चीज का अपना डिसएडवांटेज होता है। श्योर, बेसिकली मुझे एमटेक करना था पहले से, क्योंकि मैंने जो ब्रांच चूज किया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मुझे उसको मतलब मुझे काफी पसंद था, इंटरेस्ट था। एंड देन फिर जब मैंने कॉलेज से मतलब सीओपी कॉलेज, इट इज वेरी गुड कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो मैं जब वहां से एमटेक किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, अच्छा यार हम कोई अच्छे कॉलेज से कर रहे, तो पहले तो कॉन्फिडेंस आया। देन सेकंड कोई भी कंपनीज आती थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ कि हाँ मैं वहां पे बैठ के अच्छे से कोई कंपनी मतलब जो भी जॉब ग्राफ कर सकता था, या फिर इधर मेरे को एक बोल सकता हूँ कि मैं पहले बीटेक के टाइम आई वॉज नॉट हैविंग सो मच अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। थीसिस लिखना होता है हमें, तो थीसिस लिखते टाइम भी मतलब खुद से थीसिस लिखना, आपको खुद से पूरा प्रोजेक्ट करना है, तो आप कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्ड हो जाते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ तो लाइफ में। मेरा मानना है हाँ एमटेक का काफी फायदा है। यस, और आपके एमटेक में प्लेसमेंट हुए थे? जी हाँ, मुझे एक एफकॉन इंफ्रा करके कंपनी थी, बहुत अच्छा सैलरी था, 14 लाख था, वो भी मॉरिशस में जॉब था, वो भी इंडियन नेवी बेस बन रहा था वहाँ पे, बेसिकली इट वॉज वेरी गुड जॉब। तो मुझे लगता है बीटेक में मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं, बेसिकली आपको ऑनेस्टली बताओ आजकल कंडीशन क्या सिविल इंजीनियर का, बीटेक के बाद आपको बेसिकली साइट पे सीधा डायरेक्ट जॉब मिलेगा, वो भी बहुत कम पे के साथ मिलेगा आपको। मास्टर्स के साथ आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा, इंफ्रा में मिलेगा, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है, प्रोफाइल पूरा चेंज हो जाता है आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग में ब्रेक थ्रू, जो बैचलर्स बीटेक के साथ या बीई के साथ बहुत डिफिकल्ट है मिलना, अनलेस आप अच्छे कॉलेज से ना हो। तो मेरा मानना है कि एमटेक प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी, बेस देता है। और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अच्छे हैं अगर सिविल के लिए बता सकते? सिविल के लिए आज के टाइम पे जैसे कि जो अभी एनवायरमेंट का 2 वीक पहले एक लॉ आया था 5000 स्क्वायर फीट का कुछ, तो मेरा मानना है एनवायरमेंट जो फील्ड है इट विल गो ऑन, हमेशा अच्छा रहेगा। सेकंड स्ट्रक्चर इज एवरग्रीन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बाकी सब भी अच्छे हैं। मेरा मानना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, मैंने देखा हो जिनको जियोटेक में भी इंटरेस्ट है, मतलब जो बच्चों को जियोटेक में इंटरेस्ट है उन्होंने वहां पे किया एमटेक और उन्होंने अच्छा किया, अच्छी कंपनी प्लेस हुई है, तो एमटेक जस्ट फॉर द सेक आप मत करो कि मुझे एमटेक करना है प्लेसमेंट के लिए। आपको कौन सा फील्ड पसंद है? मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता था फील्ड, इसलिए मैंने वो चूज किया। आप प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 70-80% बच्चे जस्ट फॉर सेक डूइंग मास्टर्स हम कर लेते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते ब्रांड बेसिकली। मेरा मानना मत करो कॉम्प्रोमाइज, आपको किसमें इंटरेस्ट है, किसको स्ट्रक्चर पसंद है, किसको जियोटेक पसंद है, कंस्ट्रक्शन में आपको जो पसंद है वो लो आप, ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, अच्छे से आप थीसिस करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, रेज्यूमे बनाओगे, तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। और आपने एमपीएससी के बारे में आपको कब पता चला, और एमपीएससी का प्रिपरेशन या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है सिविल वालों के लिए? देखो हमारा क्या परसेप्शन है कि सब कुछ आईएएस और गेट के अराउंड रिवॉल्व होता है, मेरा भी ये परसेप्शन था 2017 तक, बेसिकली 19 तक, लेकिन फिर
मैं जब देखा कि ईएससी गेट में काफी कम अपॉर्चुनिटी है, ऑनेस्टली बताओ 100 सीट्स आते हैं सिविल के लिए ईएससी के, राइट, और गेट में टॉप 100 रैंक चाहिए आपको पीएससी के लिए, 200 रैंक, चलो मैं पकड़ता हूं ओवरऑल, बाकी क्या नियरली 3 लाख 4 लाख बच्चे सिविल इंजीनियर निकलते हर साल, बाकी सब बच्चे क्या करेंगे। तो मेरा मानना है कि स्टेट लेवल पे काफी सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या WRDJEE हो गया, PWDJEE हो गया, ये हमें पता ही नहीं रहता, हम क्या सोचते हैं गेट ESC ठीक है, इट्स गुड, आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन आप सिक्योर होना आज के टाइम पे ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो लूप में रहोगे, 4-5 साल निकल गया और फिर आप बाहर निकल जाओगे तो कुछ फायदा नहीं, आपका 4-5 साल वेस्ट हो गया, इससे अच्छा आप काम करो, चलो ठीक है आप 1 साल पढ़ लिए, उसके बाद कुछ स्टेट लेवल एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां पे है ना, और सब कुछ सेम ही नियरली सिलेबस, हाँ ठीक है ESC थोड़ा टफ है लेकिन उल्टा स्टेट लेवल थोड़ा ईजी है। तो आप, मेरा मानना है पर्सनली, पहले आप सिक्योर हो जाओ कोई चीज, देन फोकस ऑन ESC गेट, हाँ बहुत अच्छा है ESC गेट, बहुत अच्छा PSU में, लेकिन स्टेट लेवल जो जॉब्स होते हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, उतना ही है, उतना ही जो भी हम कैडरे बोलते हैं ना, सेम ही ESC और AEE का जो हमारे इसमें, तो मेरा मानना है स्टेट लेवल इज ऑल्सो वेरी गुड और बच्चों को फोकस करना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। और गेट के कंपैरिजन में उनका सिलेबस कितना होगा और कितने मंथ्स की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है आपके हिसाब से? जी हाँ, गेट में, गेट के कंपेयर में बेसिकली गेट में सब्जेक्ट्स कम है, लेकिन मेरा मानना है गेट डेप्थ में ज्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग या जो आपका जो बेसिकली कंसेप्ट, गेट चेक योर कंसेप्ट, MPSC या स्टेट लेवल एग्जाम में सिलेबस ज्यादा है लेकिन जो डेप्थ है ना वो कम है, दे जस्ट टच ईच एंड एवरीथिंग, डेप्थ में जाते नहीं है। तो मेरा मानना है कि दोनों एग्जाम अपनी जगह ठीक है, टफ है, लेकिन MPSC ज्यादा इजी एज कम्पेयर टू गेट अगर आप फोकस हो तो, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है और थोड़ा थोड़ा टच करना है हर एक चीज, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, नॉट लाइक अनलाइक गेट, गेट में आपको डेप्थ में ज्यादा जाना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एनालाइज लॉजिकल रीजनिंग एकदम प्रॉपर, आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो MPSC या स्टेट लेवल एग्जाम इज इजी एज कम्पेयर टू गेट और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मेरा मानना। और कितने टाइम का प्रिपरेशन? नियरली आप, मेरा मानना है आप 6-8 मंथ, अगर आपने कभी पढ़ा है कोई भी, समझो एक आपने सब्जेक्ट नॉट बेसिकली आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया था या ESC के लिए पहले प्रिपेयर किया था, उसके बाद 4-5 महीना अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा, दैट इज मोर देन इनफ, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। तो 4-5 मंथ मेरा मानना, अगर आप एकदम नए हो स्टूडेंट तो आपको 1 साल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सिलेबस है, देन यू कैन इजीली क्रैक इट, इट इज नॉट टफ, इजी आते क्वेश्चंस। और सिलेबस के बारे में बताओ, जैसे गेट में प्योर टेक्निकल है और ESC में टेक्निकल के साथ साथ कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी है, तो ऐसी सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताओ। गेट में जितने हमारे सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, जैसे सिविल में हमारे जियोटेक है, स्ट्रक्चर सब है वो बेसिकली, एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट है स्टेट के लिए, जैसे कि ब्रिज एग्जाम, ब्रिज इंजीनियरिंग हो जाता है हमारा, टनल इंजीनियरिंग हो जाता है हमारा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया हमारा, एंड देन हाइड्रोलिक मशीन डेप में पूछते हैं, तो ऐसे 4-5 सब्जेक्ट है जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, बाकी जो सब्जेक्ट्स है नियरली सेम है गेट और इसका टेक्निकल नियरली सेम है। और प्री के लिए नॉन टेक है, ये मीन्स की बात थी, प्री जो होता है MPSC का वो पूरा जनरल स्टडीज हो गया आजकल, जैसे कि हमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया पढ़ना पड़ता है, जनरल साइंस पढ़ने पड़ते, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए, तो ऐसे वो सब्जेक्ट्स हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा वो जस्ट, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते, खाली आपका एम क्या होना चाहिए, कट ऑफ क्लियर, कट ऑफ से थोड़ा 5-10 मार्क्स लाओ कि आपको भी अश्योरेंस होगी हाँ मेरा निकल रहा है, क्योंकि अगर हम कट ऑफ के आसपास खेलते तो हमें सेकंड थॉट आता है अरे निकल रहा है कि नहीं, जब निकलेगा तब प्रिपेयर करेंगे मेंस का, एटलीस्ट आप 5-10 मार्क्स ज्यादा ला दो कि आपको सोचना भी ना पड़े कि हाँ कि मेरे को मेंस के लिए, मतलब जैसे ही प्री हो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके कट ऑफ के आसपास है तो सेकंड थॉट आएगा कि अरे यार मैं मेहनत रिजल्ट के लिए रुकता हूं, हाँ रुकता हूं रिजल्ट के लिए बेसिकली, उसमें आपका समझो 5 महीना, उसमें 3 महीना ऐसे ही चलेगा, 2 महीने में आप कहां से वापस क्रैक करोगे, है ना। तो दिस इज जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी हो गया, फिर जैसे जनरल साइंस, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर लॉजिकल रीजनिंग हो गया, फिर एनवायरमेंट करके सब्जेक्ट हो गया, फिर आई थिंक ICT भी है, तो ये पूरा पैटर्न चेंज हो गया। तो मेरा क्या मानना है, इसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग पसंद है अगर, तो मैं उस पर ही फोकस करूंगा, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट्स आपको फोकस करना है, 100 में से सिर्फ 30% कट ऑफ लगता है, मतलब अगर 100 मार्क्स का 30, अगर अभी 200 मार्क्स का होने लगे तो 60 के आसपास लगेगा। तो मेरा मानना है कि कुछ सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करके आपको
क्रैक करना है, क्रैक करके मतलब बेसिकली कट ऑफ से 5-10 मार्क्स ज्यादा लेके सिक्योर होना है, हाँ मेरा हो रहा है, तो ये सब। तो मेरे हिसाब से सिलेबस प्री का है अच्छा खासा, जो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आप वेल नोन नहीं हो, तो जिसके लिए आप वेल नोन हो उसी में आपको ज्यादा से ज्यादा फाड़ने की कोशिश करनी है एग्जाम में, आप सब में नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत वास्ट है ना सर, तो सबको कवर करना और फिर टाइम भी आपको मैनेज, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपको प्री के साथ मेंस का ही प्रिपेयर करना है, प्री के टाइम जस्ट आपको प्री का नहीं प्रिपेयर करना है क्योंकि प्री और मेंस में गैप कम रहता है 4-5 महीना कभी कभी, तो आप अगर मेंस का पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, राइट। तो मेरा मानना है कि प्री को टाइम दो, आप आधा टाइम दो और आधा मेंस को दो, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्री में कुछ सब्जेक्ट्स को फोकस करो। और आप एस के स्टूडेंट हो तो आप एस में आपने कौन सा कोचिंग लिया था, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं। हाँ, मैं 2017 में एस में ESC का कोचिंग लिया था, तो 2 साल में वीकेंड बैच था मेरा, तो 17 से 19 मैंने ESC का प्रिपेयर किया एंड देन उसके बाद मैंने MPSC पे भी। MPSC आपने खुद से किया? हाँ, MPSC क्योंकि एक बार वंस आप ESC का एक बार प्रिपेयर कर लिए या गेट का एक बार प्रिपेयर कर लिए तो आप, हाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है पड़ेगा लेकिन बाकी मोस्टली सब कवर हो जाता है। मुझे लगता है ESC से ज्यादा बेनिफिट है। जी हाँ, ESC से काफी बेनिफिट है क्योंकि नियरली सब्जेक्ट सब कुछ सिलेबस जो भी है सेम ही है, एक्स्ट्रा 1-2 सब्जेक्ट है और पैटर्न भी क्वेश्चन पूछने का। जी हाँ, पैटर्न भी ESC जैसे ही है पैटर्न, लेकिन जस्ट कि उसका एक थोड़ा सा लेवल नीचे रहेगा, बस इतना ही। और आप बता सकते हो क्या, मतलब सिविल के लिए ना मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, कि सारे अपॉर्चुनिटीज बताओ आपने जितने भी एग्जाम्स लिखे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गेट नहीं निकल रहा है मेरा तो शायद से मुझे शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरे IT सेक्टर में या फिर किसी सेक्टर में, जबकि उनका मन नहीं है क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। तो आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं कि कौन से एग्जाम्स में, एक बार शेयर कर दो। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ESC का एग्जाम 2017 में दिया था, राइट, तो मेरा भी नहीं निकला था ESC प्री। देन कॉलेज में मुझे प्लेसमेंट भी मिला लेकिन मैंने बेसिकली ड्रॉप कर दिया कि नहीं, चलो अपने को गवर्नमेंट जॉब अच्छा सा कुछ सर्विस करना है। देन मैंने MPSC का प्रिपेयर किया, तो मीनवाइल मैंने SSC का एग्जाम दिया, तो SSC में मैंने कुछ ऑनेस्टली बताऊं, मैं जो MPSC का पढ़ रहा था वही SSC का मैंने एक वर्ड भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, तो मेरा SSC प्री निकला, फिर उसमें SSC मेंस भी निकला, तो बेसिकली मेरा SSC JEE का एक एग्जाम सिक्योर कर लिया मैंने। देन मैंने MPSC दिया, MPSC में मेरे को अच्छे ये मिले, फिर मैंने काफी ESC, उसके बाद मैंने जब 2020 में ESC दिया मेरा प्री भी निकला। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे SSC JEE हो गए, रेलवे की जो वैकेंसीज निकलते हैं RRB हम बोलते हैं जो निकलने वाला है अभी, फिर स्टेट लेवल पे तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं ना इतने सारे वैकेंसी, हम क्या सोचते गेट ESC, नहीं गेट ESC में आप सोचो 100 ESC के निकल रहे वैकेंसी गेट में टॉप 100 रैंक, लेकिन स्टेट लेवल पे 1000, 1500, 2000 पोस्ट निकलते हर साल, बहुत बड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है। तो आप अगर, और आप सेकंड चीज एक और मेरा मानना है कि जैसे कि समझो आपको नहीं करना है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नहीं आना है, तो अगर आप लोकल कॉलेज से हो तो आप एटलीस्ट गेट के लिए अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लो, आपको रैंक नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर बेसिक अच्छा समझो अगर कट ऑफ 30 अगर आपको 40 भी मिल रहा है तो आपको लोकल गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र का या जो भी स्टेट का M.Tech आप वहां से कर सकते हो, उसका फायदा क्या पता, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जो बेसिकली B.Tech में हमें नहीं मिलता, तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल गया तो आप हमेशा वहां पे अच्छा कर सकते हो। थर्ड चीज बेसिकली हो गया कि आप कॉन्ट्रेक्टरशिप में जा सकते हो, कॉन्ट्रेक्टर जो होते हैं लोकल कॉन्ट्रेक्टर आप बन सकते हो PWD का लाइसेंस बना के, स्टिल वो भी थोड़ा बेसिक अभी इतना उसमें ये नहीं है बेसिकली मजा नहीं है क्योंकि वो बिल क्लियर होने में टाइम जाता है, प्रोजेक्ट्स काम निकल रहे हैं अभी। तो मेरा मानना है एक तो गेट के थ्रू आप M.Tech करो जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोग को नहीं पता, जस्ट अंडर रेटेड है बहुत अंडर रेटेड है। और सेकंड स्टेट लेवल पे आप फोकस करो, सिर्फ गेट ESC नहीं, सिर्फ गेट ESC नहीं, यही बोला कि आप भी सोचो ना यार, आप 3-4 लाख बच्चे निकल रहे हैं हर साल आ रहे हैं हर साल और एड ऑन होते जा रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन तो आपका बढ़ेगा ही, तो कुछ आप थोड़ा और आजू बाजू एक्सप्लोर करो, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो संजय यादव, तुम्हें कुछ लास्ट में अगर कुछ टिप्स देना है कि तुम्हारे हिसाब से प्रिपरेशन में कौन सी चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एस्पिरेंट को, पता होना। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इज तुम्हारा तुम टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि मेरा भी ऐसा था जब मैं प्रिपरेशन से पहले मैं भी मोबाइल पे टाइम पास करता था ये सब करता था, लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मैंने ये सब चीजें से दूर हुआ, सिर्फ 4 या 5 महीने की बात है, मैं आपको पूरे साल पढ़ने नहीं बोल रहा, कोई भी एग्जाम आया पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रहो, हर एक एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, MPSC का अलग पैटर्न है, कोई JEE लेवल का दे रहे उसका अलग पैटर्न है, तो पहले एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रहो 4-5 महीना कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आपने उसके पैटर्न रिलेटेड अच्छे से स्टडी किया टाइम पास ये सब बन गया टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज किया सिर्फ 4-5 महीना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे वैसे? वैसे घंटे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक शेड्यूल आपको बता देता हूँ, मेरे को पता नहीं कितने घंटे हो रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब अराउंड 14-15 तो आराम से याद आता, मतलब मैं बहुत कम टाइम पास करता, 6 घंटा सोना, 7 घंटा सोना, बाकी जो भी हो, मतलब तुम 4-5 घंटे में जो निकालने की बात कर रहे हो, 4-5 घंटे तुमने सिर्फ पढ़ाई में ही दिए हैं? पढ़ाई में दिया, यस यस यस। उसके बाद जो भी करना है वो बाद में, हाँ, देख बाद में उसके एक बार आपको पता है, आपका सिक्योर है कि हाँ मेरा एग्जाम क्रैक हो रहा है, आई एम गेटिंग गुड रैंक, मेरा पोस्ट निकल रहा है, फिर खत्म हो जाता है ना। यू कैन डू एवरीथिंग, हॉबी पे ध्यान दो, तुमको हेल्थ पे ध्यान देना, तुमको जिम करना, सब कर सकते हो। वो 4-5 महीना आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सैक्रिफाइस कर दो। लिटरली मैं फंक्शन में नहीं आता था, दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया उस टाइम पे, जो भी अच्छे अच्छे फेस्टिवल थे, फैमिली फंक्शन में नहीं आता था, आइसोलेट हो गया था बेसिकली। लेकिन वो 4-5 महीने वाला बाद मुझे रिजल्ट दिखा तो और खुशी हुई, अरे हाँ कुछ तो मैंने लाइफ में अचीव। और बाकी बाद में रिलेटिव्स का कैसा रिस्पॉन्स था, क्योंकि तुम फेस्टिवल्स में नहीं जा रहे हो, कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? बेसिकली ऐसा था कि रिलेटिव्स पूछते थे, अरे संजय क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या जरूरत है करने की, उसको बोलो प्राइवेट जॉब करने के लिए, हाँ पढ़ते ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, ऑनेस्टली मुझे इतने कॉल्स आए ना रिलेटिव्स के, अरे संजय बेटा भूलना मत, हाँ नहीं बोलूंगा आपको, भूलना मत, नहीं बोलूंगा, कैसे ताना मारा था कैसे वो टाइम पे आपने, वही होता है ना, क्योंकि वो टाइम पे आपको पूरी सोच, देखो कैसा होता है बेसिकली, जो भी आसपास है सोसाइटी आपको कंटिन्यूस पॉइंट करते रहेंगे, अरे क्या कर रहा है ये, इसको बोलो जॉब करने के लिए, लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं बोलूंगा नहीं, 4-5 महीने में अगर आपने क्रैक किया ना तो आप पूरी लाइफ टाइम वो एंजॉय कर सकते हो, तो दिस इज, आप फोकस रहो 4-5 महीना 100% आपका। लगता है लोग रिलेटिव ज्यादा टाइम की वैल्यू करते हैं कि उन्हें फटाक से सक्सेस दिखना चाहिए। नहीं नहीं सही बात है, लेकिन पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, एक टाइम नहीं निकला मेरा भी, नहीं 2 साल में पढ़ के एसी दिया मेरा, नहीं निकला एग्जाम, लेकिन उसके बाद मेरे सब एग्जाम निकले। आपका अगर एक बार बोलते ना सेट हो जाता है ना, तो आपको हैबिट जैसा हो गया, रीडिंग इज अ हैबिट, वैसे ही मैं कंटिन्यूस पढ़ते गया। लेकिन मेरे को जब मेरे एग्जाम्स निकलने लगे ना, बहुत सारे एग्जाम निकले, कॉन्फिडेंस आया, तुम कॉन्फिडेंस आया, एक भी एग्जाम निकलता, अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो थैंक यू संजय, थैंक यू तुम्हारा टाइम देने के लिए। थैंक यू। और मेरे हिसाब से मेरे चैनल पे सिविल का वीडियो ही नहीं है, तो तुम्हारा ही फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जो अपॉर्चुनिटीज इतने सारे बताए हैं, तो थैंक्स आने के लिए। थैंक यू।